पिछले वीडियो में हमने वैल्यूएशन ऑफ हाउस फैसिलिटी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखा था। फिर मैंने कुछ समय का आपको समय दिया था आगे के एग्जांपल करने के लिए। हो सकता है आपने आगे के एग्जांपल ट्राई कर लिए हों। उन एग्जांपल में से दो एग्जांपल की वीडियो मैं आपको और बना के समझा रही हूँ उसको किस तरीके से करना है। यदि आपको पहले से समझ में आ गया है बहुत बढ़िया है, किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप इन वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यूज थोड़ी सी अलग हैं या थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो अपन देखेंगे आपको इसको किस तरीके से करना है। जैसे इस एग्जांपल में अपने को सूचनाएं दे रखी हैं, बेसिक सैलरी है यहाँ पर अपनी 20,000 पर मंथ, DNS अलाउंस यहाँ पे दे रखा है अपने को, बेसिक सैलरी का 40% है, यहाँ पे फिगर नहीं है, बेसिक सैलरी जो भी निकलेगी इसका 40% हमारा DA है, जो भी DA निकलेगा उसका 60% हमारा इन दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी जब हम सैलरी का मीनिंग निकालेंगे तो जो DA होगा वो हमारा सैलरी का 40% होगा बेसिक सैलरी का, उसका भी 60% ही हमें ऐड करना है क्योंकि 60% जो हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट माना जाता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी शामिल होगा, ये अपना फुली टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये भी अपना फुली टैक्सेबल है। अब यहाँ पर तो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस जो है वो हमें दे रखा है 275 पर मंथ, जिसमें 100 रुपीज़ पहले बच्चे के लिए, 100 दूसरे बच्चे के लिए और 75 तीसरे बच्चे के लिए है। हमें जो छूट मिलती है वो मिलती है मैक्सिमम 100 रुपये एक बच्चे के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। तो जब हम यहाँ पे कर मुक्ति देंगे तो हम ऐसे मान लेंगे जो 2 बच्चे हैं जिनको ज़्यादा फीस मिल रही है इनको हम दे देंगे कर मुक्ति, तो यहाँ पे छूट मिल जाएगी। मैक्सिमम मिलती है 100 रुपये प्रति बच्चा 2 बच्चों के लिए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का, यानी आपको छूट मिलती है 100 रुपीज़ पर मंथ, तो साल भर का हो जाएगा 1200 जो मिलता है मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, तो अपना हो जाएगा टोटल 2400, जबकि यहाँ पे मिल रहा है अपने को ये 3 बच्चों के लिए। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे तो अपनी निकल जाएगी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। हेडिंग वैसे आ जाएगी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। सैलरी ऑफ मिस्टर मनीष आ जाएगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए छोड़ रही हूँ मैं यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर बेसिक सैलरी, यहाँ बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ, तो ये अपनी हो जाएगी 2,40,000। यहाँ पर डी है अपना 20% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी 20% ऑफ 2,40,000, 40% ऑफ 96,000। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हमारा फुली टैक्सेबल है, ये आ जाएगा 5,000 × 12 यानी 60,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी हमारा फुली टैक्सेबल है, सिर्फ अंधे और अपंग व्यक्तियों के लिए मिलती है कर मुक्ति यहाँ पर, यहाँ पर ऐसी कोई सूचना है नहीं, तो ये हमारा पूर्णतः कर योग्य हो जाएगा 2400। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमें मिला है 275 × 12, 100 पहले बच्चे के लिए है, 100 दूसरे बच्चे के लिए, 75 तीसरे बच्चे के लिए, तो टोटल हमारा हो जाएगा यहाँ पर 275 × 12। पैसा हमें मिला है 3,300 रुपीज़, इसमें से लेस कर देंगे हम एग्जेम्पशन, जो मिलेगा हमें 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, यानी 2400। तो इसकी हमारी कर योग्य राशि आ जाएगी 900। इसके बाद एक और था हमारा यहाँ पर एंटिटी में अलाउंस, वो है हमारा यहाँ पे 1,000 पर मंथ, ये हमारा हो जाएगा 12,000। और फिर हम निकालेंगे इसमें रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी, ये निकल जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी। वर्किंग नोट में रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी जो पहली सिचुएशन है कि यदि वो किसी ऐसी जगह रहता है जहाँ पर आपको 4 लाख की जनसंख्या है, मकान चूँकि स्वयं नियोक्ता का है क्योंकि हमको यहाँ पर अनुमानित किराया दे रखा है, मतलब नियोक्ता मकान का स्वामी है, तो हम देखेंगे जनसंख्या, जनसंख्या 4 लाख तक है तो हम निकालेंगे सैलरी का 75%, जनसंख्या हमारी 15 लाख है तो हम निकालेंगे सैलरी का 10%, जनसंख्या हमारी 25 लाख से ज़्यादा है तो हम निकालेंगे सैलरी का 15% ऑफ सैलरी। एक पॉइंट मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ, बाकी 2 पॉइंट आप लोग सॉल्व करके देखिएगा।
तो अपने को यहाँ पे निकालना है फर्स्ट में 75% ऑफ सैलरी, और सैलरी में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे सैलरी में आ जाएगा बेसिक सैलरी, डीए कितना आएगा, यहाँ पे डीए आएगा 60%, डीए का सिर्फ 60% आएगा क्योंकि वो इन दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। सीसीए पूरा आ जाएगा, टीए पूरा आ जाएगा, इसकी आ जाएगी टैक्सेबल राशि एजुकेशन लोन्स की, ईए पूरा आ जाएगा। तो बेसिक सैलरी है हमारी 2,40,000, डीए आ जाएगा 60% ऑफ 96,000 क्योंकि इतना ही इन दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, प्लस 60,000 प्लस 2,400 प्लस 900 प्लस 12,000, तो ये हमारी सैलरी आ जाएगी टोटल 3,72,900। तो ये निकल जाएगा 7.5% ऑफ 3,72,900 यानी 27968। ग्रॉस सैलरी हमारी आ जाएगी 439268। तो ये तरीका है हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालने का। जब क्वेश्चन में आपको कुछ अलाउंसेस दे रखे हों तो हमें करना क्या है, बेसिक सैलरी पूरी आएगी, डीए का वो पार्ट आएगा जो सेवा शर्त के अनुसार है, या फिर सेवानिवृत्ति के लिए लाभों का हिस्सा माना जाता है जो यहाँ पे कितना था, 60% था। बाकी सारे फुली टैक्स अलाउंसेस आ जाएंगे जितने भी हैं आपके, उन सबको जोड़ के अपन देखेंगे जनसंख्या जो भी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तीन सिचुएशन है तो तीनों का निकाल लेंगे तीनों के अकॉर्डिंग। इसको ऐसे ही करना है, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछना है। आज के लिए इतना ही।